प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है काम की खोज। मधईपुर एक छोटा सा गांव था, जिस गांव में काफी सारे लोग रहते थे, लेकिन बारिश ना पड़ने की वजह से सभी गांव वालों की फसल बर्बाद हो चुकी थी। अब वहां पर रोजगार के लिए कुछ भी नहीं बचा था और ना ही कोई उनका परिवार वगैरह चल पा रहा था। इसीलिए सभी गांव वालों ने उस गांव को छोड़कर कहीं और पलायन करने का सोचा। उसी गांव में एक मुस्तफा नाम का एक आदमी भी रहता था। उसके साथ उसका भी एक छोटा सा परिवार था। मुस्तफा भी बहुत परेशान था, क्योंकि ना तो अब घर पर कुछ खाने का बचा था और ना ही कोई उसके पास कामकाज था। मुस्तफा घर के बाहर बैठकर बहुत कुछ सोचा करता था, अब मैं क्या करूं? घर पर तो एक भी अन्न का दाना नहीं बचा, बच्चे भी भूखे हैं, पत्नी भी भूखी है और बाहर जो कुछ जानवर बंधे हैं उन्हें भी खाने को नहीं दे पा रहा हूं। क्या करूं? ऐसी विपदा आन पड़ी है कि कोई भी सुझाव नहीं मिल पा रहा। अब एक दिन मुस्तफा घर के बाहर ही बैठा था, तभी उसकी पत्नी बच्चों समेत आई और बोली, सुनिए, घर पर तो कुछ भी खाने का नहीं बचा, बच्चे भी खाने के लिए मांग रहे हैं, अब मैं उन्हें क्या खाने को दूं? मुस्तफा की पत्नी बहुत अधिक परेशान हो गई। हार कर उसने अपने पति से कहा कि तुम बाहर कामकाज ढूंढने के लिए क्यों नहीं जाते? कोई काम धंधा ढूंढोगे तभी तो हमें खाने को मिल पाएगा। यह सुनकर मुस्तफा भी परेशान हो गया। उसे लगा कह तो पत्नी ठीक ही रही है, लेकिन अब क्या करे? इस गांव में तो कोई काम मिलेगा नहीं, मुझे इस गांव से बाहर ही निकलना पड़ेगा। यह सुनकर वह उस गांव से बाहर निकला और सोचा, आज कोई काम धंधा ढूंढ कर ही वापिस आऊंगा। वह गांव से जा रहा था, तभी रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जब वह जंगल में से गुजरा तो उसने क्या देखा? एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जिस गड्ढे में एक व्यापारी, एक बंदर, एक सांप और एक शेर गिरे पड़े थे और वह मदद के लिए गुहार कर रहे थे। कोई सुनो, हमें इस गड्ढे से बाहर निकालो, हम इस गड्ढे में गिर चुके हैं। अब जैसे ही मुस्तफा ने उनकी आवाज सुनी, वह उस गड्ढे की ओर गया और उन चारों को देखकर एकदम हैरान सा हो गया। अरे, यह चारों एक साथ इस गड्ढे में गिर गए। अब जब उन्होंने उसे पुकारा तो मुस्तफा ने भी उन्हें हाथ देकर बाहर निकाल दिया और उन चारों ने मुस्तफा से कहा कि हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे, तुम्हें जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी इस उपकार का बदला हम जरूर चुकाएंगे। यह कहकर और यह सुनकर मुस्तफा आगे की ओर बढ़ गया और वह भी अपने घर की ओर चले गए। अब मुस्तफा तो काम की तलाश में था, उसे तो कहीं भी काम नहीं मिला। अब दिन भर थक हार के मुस्तफा अपने घर की ओर वापस हो गया। उसे लगा, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ काम मिलेगा, अब तो बाकी गांव वालों की तरह हमारे परिवार को भी इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन मुस्तफा वह गांव नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि कई पीढ़ियां उसकी इस गांव में पली थी और वह पुरखों का पुराना घर था। वह उस घर को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मुस्तफा ने सोचा, अगर उसे काम धंधा मिल जाता है तो वह इसी घर में ही रहता रहेगा। लेकिन मुस्तफा तो निराश होकर घर वापस जा रहा था, उसे कोई भी काम नहीं मिला और वह भूख से भी तड़प रहा था, उसे काफी जोरों से भूख भी लगी थी। तभी उसे किसी ने आवाज लगाई। जब उसने देखा, अरे, यह पेड़ पर
पेड़ पर वही बंदर था जिसे उसने गड्ढे से बाहर निकाला था। उस बंदर ने मुस्तफा को कुछ अंगूर दिए और कहा, तुम दिन भर से भूखे हो, तुम यह खाकर अपना पेट भर लो। मुस्तफा थोड़ा हिचकिचाया, उसने वह उससे अंगूर नहीं लिए। लेकिन बंदर ने फिर से उससे कहा, देखो घबराओ नहीं, तुम मुझसे यह अंगूर ले सकते हो, तुम इसे खाकर अपनी भूख प्यास मिटा सकते हो। मुस्तफा को तो वैसे ही भूख लगी थी, उसने वह अंगूर उस बंदर से ले लिए और उन्हें खा लिया और फिर अपने घर की ओर वापस लौटने लगा। तभी रास्ते में उसे वही शेर मिला। उस शेर ने भी मुस्तफा को आवाज लगाई और कहा, सुनो जरा मेरी बात सुनो, मैं वही शेर हूँ जिसकी मदद तुमने की थी, अब इस मदद का उपकार मैं जरूर करूँगा। मेरे पास कुछ गहने जवाहरात हैं जो मेरी गुफा में पड़े हैं, तुम चाहो तो वह तुम रख सकते हो, तुम्हारे काम आ जाएंगे, मेरे तो वह किसी काम के नहीं है। अब मुस्तफा को उस शेर ने कुछ गहने और कुछ जेवरात दिए। उन सबको पोटली में बांधकर मुस्तफा घर की ओर निकल गया। उसे रास्ते में याद आया, यह सब कुछ ले जाकर मैं क्या करूँगा, कहाँ बेचूंगा इन्हें। फिर उसे याद आया, अरे गड्ढे से बाहर तो मैंने एक व्यापारी को भी निकाला था, अगर यह सब कुछ मैं उस व्यापारी को बेच दूं तो वह मुझे कुछ पैसे दे देगा और वही पैसे ले जाकर मैं घर पर कुछ खाने का सामान ले जाऊंगा। यह सोचकर मुस्तफा उस व्यापारी की ओर चल दिया। अब जब मुस्तफा व्यापारी के पास पहुंचा और उसने व्यापारी को वह गहने दिखाए और गहने दिखाकर मुस्तफा बोला, आप इन्हें खरीद लो और इसके बदले में मुझे कुछ पैसे दे दो। अब व्यापारी की तो नीयत बदल गई, उसे समझ में आ गया कि यह गहने जवाहरात तो राजभवन की है, रानी जी की है, अगर मैं सारी बात जाकर राजा को बता दूंगा तो राजा इसके बदले में मुझे बहुत अच्छा इनाम देगा और मुझे इस मुस्तफा को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। यह सोचकर वह मुस्तफा से बोला, अच्छा सुनो, तुम थोड़ी देर यहीं इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आता हूँ। यह कहकर वह उसे वहीं छोड़कर राजमहल चला गया और राजा को सारी बात बताई। राजा ने दरबारियों को भेजा और सैनिकों को भेजकर मुस्तफा को गिरफ्तार करवा लिया। अब राजा ने तो मुस्तफा को जेल खाने में डाल दिया। यह क्या, मुस्तफा वहाँ परेशान हो गया। उसने कहा, मैंने इस व्यापारी की मदद की थी और इसने मेरे साथ ही धोखा किया, बंदर और शेर ने मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, उन्होंने उस उपकार का बदला भी दिया मुझे, लेकिन यह व्यापारी तो एक नंबर का धोखेबाज निकला, इसने मुझे धोखा दिया। अब ये सारी बात मैं अगर राजा को भी बताता हूँ तो वह तो मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं इस गांव का नहीं हूँ, इस गांव में नया आया हूँ, इसलिए कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा। यह सोचकर मुस्तफा जेल में ही पड़ा रहा, लेकिन उसे अपने परिवार की चिंता सताए जा रही थी। फिर मुस्तफा सोचने लगा, काश अगर वह सांप मिल जाता तो वह भी मेरे मदद का उपकार चुका देता, हो सकता है वही मेरी मदद कर देता। अब जैसे ही मुस्तफा ने उस सांप को याद किया, यह क्या, उस जेल खाने में अचानक वह सांप प्रकट हो गया और मुस्तफा से बोला, तुमने मुझे दिल से याद किया था, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो, तुमने मेरी मदद की थी, इसके बदले मैं वह उपकार जरूर चुकाऊंगा, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब मुस्तफा ने अपने आप बीती सारी बात उस सांप को बताई, बताया, देखो उस व्यापारी ने मेरे साथ कितना धोखा किया। अब उस सांप ने मुस्तफा को कहा, देखो मैं तुम्हें इस जेल से छुटकारा दिलवा सकता हूँ, मैं यहाँ की रानी को डस लूंगा और उसके बदले में तुम्हें राजा को यह कहना है कि बस इस रानी को तो तुम ही ठीक कर सकते हो और तुम मुझे याद करना और रानी के ऊपर अपना हाथ जैसे ही फेरोगे रानी का जहर उतर जाएगा।
यह कहकर वह सांप गायब हो गया। अगले दिन पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि रानी को सांप ने डस लिया और सांप बहुत जहरीला था। अब राजा ने कई वैद्यों को बुलाया और अपनी रानी को उन्हें दिखाया, लेकिन कोई भी वैद्य उसकी रानी का इलाज नहीं कर पाया। तभी मुस्तफा ने सैनिकों को कहा, देखो तुम मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो, क्योंकि तुम्हारी रानी को सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ। यह सुनते ही सैनिकों ने सारी बात जाकर राजा को बताई। राजा ने कहा, ठीक है तुम उसे छोड़ दो और राजमहल में ले आओ। अब मुस्तफा जैसे ही रानी के पास गया और सांप को दिल से याद किया और रानी के पैरों पर जैसे ही उसने सहलाया तो रानी तो बिल्कुल ठीक हो गई और उठकर बैठ गई। यह सब कुछ देखकर राजा खुश हो गया। जैसे ही मुस्तफा ने राजा को खुश देखा, मुस्तफा ने राजा से सारी बात बताई। कहा, महाराज आपने मुझे बेकसूर पकड़ लिया, मैं तो बिल्कुल भी कसूरवार नहीं हूँ। व्यापारी ने मेरे साथ धोखा किया। महाराज मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, बहुत गरीब, सिर्फ खाने की तलाश में और कुछ कामकाज की तलाश में निकला था, लेकिन उस व्यापारी ने चालाकी से मुझे फंसा दिया। अब जब राजा ने सारी बात सुनी तो उसे मुस्तफा पर बहुत अधिक दया आ गई। उसने कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे खाने पीने का और तुम्हारे काम काज का मैं इंतजाम करूँगा। राजा ने मुस्तफा को अपने राजमहल में राज दरबारी की नौकरी दी और उसे कुछ खाने पीने का सामान भी दिया, जिससे तुम अपने घर पर सब कुछ दे आओ और तुम हमारे यहाँ पर काम कर सकते हो और जिससे तुम कुछ पैसा कमाकर अपने घर ले जाओगे। मुस्तफा बहुत खुश हुआ और उसने राजा का दिल से धन्यवाद किया और इसके साथ साथ उसने उस सांप का धन्यवाद भी किया जिसने उसकी असली मदद की थी। देखा बच्चों, मुस्तफा एक बहुत ही भोला व्यक्ति था। भोलेपन में बिना लालच के उसने उन सब पर उपकार किया, उनकी मदद की और इसी का फल उसे राजा के दरबार में नौकरी मिली। उसे कुछ काम काज मिला जिससे उसने अपना और अपने परिवार का गुजारा करने लगा।